नमस्कार साथियों, बड़ी खुशखबरी आपके सामने है। बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका इंतजार था 60 लाख बच्चों को, 60 लाख परिवारों को, इस देश की आबादी को। यानी जो टीचरों ने, विद्यार्थियों ने कर दिखाया वो बहुत ही अच्छा प्रयास जो उन्होंने किया। और आज योगी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला, वो भी एक युवाओं के हित में, वो भी एक जाबाज योद्धाओं के हित में, प्यारे विद्यार्थियों के हित में, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा रद्द, अगले 6 माह के अंदर करवाई जाएगी भर्ती। यानी 6 महीने का एक अच्छा टाइम और दिया है कि बेटा अगर मेहनत कर रहे हो तो दम कर करना, अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं, अब टिकना नहीं, अब वर्दी के बिना तुम्हें रुकना नहीं। योगी सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला, सत्याग्रह सफल और भर्ती परीक्षा रद्द, यूपी भर्ती परीक्षा रद्द। देखो सबसे पहले मैं ट्वीट दिखा देता हूं, जो योगी जी का ट्वीट आया आप देख लीजिए बिल्कुल गौर से, जिनके पास, हालांकि विद्यार्थियों के पास सूचना पहुंच चुकी है और अब बस हमें तैयारी में लग जाना है। यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ, सीएम ऑफिस, आरएससी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के दिए आदेश। परीक्षाओं की शुभचिंताओं को कोई समझौता नहीं किया जाएगा, परीक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कतई नहीं बख्शा जाएगा, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये योगी जी का ट्वीट है, भयंकर वाला ट्वीट है। और बुलडोजर बाबा ने आखिरकार बता दिया कि वास्तव में युवाओं के साथ है, वास्तव में उनकी छवि है और अब युवाओं के चहेते हो गए हैं, क्योंकि जो फैसला कर सकते थे, ऐतिहासिक फैसला जो दिया है वो काबिले तारीफ है, वो काबिले तारीफ है। सच में आज हमारी सब की फिर से जीत हुई, लखनऊ पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त। देखो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं विवेक सर, नवीन सर और जितने भी तमाम जो टीचर गण हैं, और जो इस भीड़ का हिस्सा लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, ये प्यारे विद्यार्थी जिनका अथक प्रयास और अथक सबूत पेश किए इन्होंने, और 3-4 दिन तक वहां तक पड़े रहे हैं, और इनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है मेरे दोस्तों। और आपके लिए एक सुनहरा अवसर मिला है, युवाओं के हित में सीएम योगी का बड़ा फैसला, सीएम योगी ने पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त, 6 माह के अंदर दोबारा परीक्षा होगी, पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कहते हुए इन्होंने बहुत ही शानदार ट्वीट किया, और ये ट्वीट है ना लाखों युवाओं के दिल पर छा गया है, लाखों युवाओं के दिल पर छा गया। आपकी मेहनत सफल हुई, अब बेटा रुकना नहीं है, अब केवल आपको मेहनत करनी है और इस बार सख्ती से होगी परीक्षा, बहुत ही तगड़ी कानूनी कार्रवाई के बीच अब परीक्षा होगी। यानी शानदार तरीके से एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी। 6 महीने का एक जो टाइम दिया ना आपको, ये 6 महीने वाला जो टाइम दिया ना भाई साहब, ये टाइम आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं अब नहीं रुकना है, अब जो आप इस भीड़ का हिस्सा बनकर, इस आंदोलन को सफल बनाकर, इस सत्याग्रह को सफल बनाकर, शांतिपूर्वक तरीके से जो कार्य किया है, अब उसके बाद आपका लक्ष्य खाकी वर्दी का होना चाहिए और बुरजोर मेहनत के साथ होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करें मेरे साथियों, हम भी आपके साथ हैं। अब यूपी पुलिस का है फ्री क्लास है, फ्री क्लास है, हम इस चैनल के माध्यम से 1-2 दिन में आके अवगत करवा दूंगा कि आपकी क्लास से कहां कहां आपको उपलब्ध रहेगी। अभी क्लासों की बात करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि खुशी का माहौल है। इन बड़े, देखो ये भीड़ दिख रही ना इन अक्षरों के पीछे, ये इस बात को बयां करती है कि कतई हिंदुस्तान का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी नागरिक शोषण या गलत कार्यों को बर्दाश्त नहीं करेगा, अगर जो गलत होंगे उन्हें कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे, फिर से कहते ना खुशी की लहर है कि एक विद्यार्थियों के साथ न्याय हुआ है और ऐतिहासिक फैसला दिया है योगी सरकार ने, वो काबिले तारीफ है। तो भाई साहब ये चीजें आपको देखने को मिली है, और देखो इन योद्धाओं ने,
यहां देखो कोचिंग लाइब्रेरी बंद कराने की अपील भी की थी, ठीक है, रात में पुलिस कमिश्नर और डीएम भी पहुंचे थे बात करने, देर शाम तक शाम अध्यक्ष की पत्नी और बेटी भी आई, आयोग की बेटी है, आयोग अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग भी की गई, 28 को दिल्ली में उठाई आवाज, मगर अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, आंदोलनकारियों ने निकाला कैंडल मार्च, ये कल के पेपर है, ये सारी की सारी ये है, उठे सवाल साग से है तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो गई है मेरे साथियों, और आखिरकार आपकी मेहनत, इको गार्डन शुक्रवार को जुटे सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान परीक्षा निरस्त करने की मांग, सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक के विरोध, और ये विरोध आपका सफल हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मेहनत रंग लाई, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत आपको सही दिशा में पहुंचाएगी, इसके लिए आप तैयारी पर लगे रहे। ये मेरी क्लास चल रही थी भाई साहब, जैसे ही मुझे सूचना मिली ना, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया कि भाई साहब ये ट्वीट है ना मेरे दिल पे छा गया, तो बहुत बहुत बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं, और अब तैयारी में लग जाए, बाकी की बात अगर कोई सूचना आती है तो मैं दे दूंगा, भर्ती रद्द हो गई है, 6 महीने बाद में एग्जाम है, कॉपी पेन उठाओ और लग जाओ, अब रुकना नहीं, अब झुकना नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी।